हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, देखिए उसमें हमने कर लिया था एटॉमिक रेडियाई हम पढ़ चुके थे। और जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी हमारे पास तीन तरह की होती थी, कोवलेंट रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई और मेटैलिक रेडियाई। हाँ जी, इनका हमने कंपैरिजन भी पढ़ लिया था कि जो वंडरवाल रेडियाई होती है सबसे ज्यादा होती है, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। वंडरवाल रेडियाई का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, उसके बाद मेटैलिक रेडियाई का, एंड उसके बाद हमारे पास होगा कोवलेंट रेडियाई का मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो आज हम करेंगे वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। किस तरह से वेरिएशन आएगी एटॉमिक रेडियाई के अंदर, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरिएशन आती है। हाँ जी, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज आता है एटॉमिक रेडियाई के अंदर। हाँ जी, हम यहां पर बात करेंगे लेफ्ट टू राइट भी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट टू राइट, या फिर हम बोल सकते हैं अलोंग द पीरियड। और हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, या फिर हम बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, अलोंग द पीरियड भी हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप भी हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज अ एग्जांपल लेकर चलते हैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। हाँ जी, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है हमारे बकनोफ ने, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन, बकनोफ ने। ठीक है, ये हमारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। और सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियाई हम देखेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन होगी, हाँ जी, एटॉमिक रेडियाई के लिए। हमेशा एटॉमिक रेडियाई हम देखते हैं इस इक्वेशन से, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। इक्वेशन हमारी जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है या जेड की वैल्यू है इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और जेड की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, हाँ जी, सिग्मा है हमारे पास स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग हम बोल सकते हैं या भीड़ भाड़। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ भाड़, क्राउडिंग, भीड़ भाड़ हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहां से मुझे पता चल रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियस
towards nucleus. Means कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कितना न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा उतना ही हमारे पास साइज कम होगा. ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा उतना साइज कम होगा. ठीक है, मींस जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसी एलिमेंट का साइज कम होगा. ठीक है, उसकी एटॉमिक रेडियाई कम होगी. ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि जेड इफेक्टिव किसी एलिमेंट का कम है या फिर जेड इफेक्टिव किसी एलिमेंट का ज्यादा है. ठीक है, हाँ जी, यहां से मुझे दिख रहा है कि जो जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के. जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, मींस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक नंबर के. ठीक है, और जो जेड इफेक्टिव है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, मींस अगर हमारे पास स्क्रीनिंग ज्यादा है या शील्डिंग ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. हाँ जी, तो इससे हम पता लगा सकते हैं, जेड इफेक्टिव हम निकाल सकते हैं एक तो जेड से और सिग्मा से. ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझना आपके पास जरूरी है. ठीक है, उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे सेकेंड पीरियड एलिमेंट में. ठीक है, लेफ्ट टू राइट में. ठीक है, हाँ जी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हमारे पास जो जेड है वो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा. और अगर हमारे पास स्क्रीनिंग बढ़ती है, सिग्मा की वैल्यू बढ़ती है, तो हमारे पास जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है और जो साइज है या फिर एटॉमिक रेडियाई है वो भी कम हो जाती है. ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा की वैल्यू देखनी है. ठीक है, हाँ जी, अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई, इसी रिएक्शन के बिहाफ पर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की हम बात करेंगे. हाँ जी, जो हमारे पास ग्राफ होता है एटॉमिक रेडियाई सेकंड पीरियड एलिमेंट का, एटॉमिक रेडियाई या रेडियस और एटॉमिक नंबर का अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो हमारे पास ग्राफ ये आता है, ये हमारे पास ग्राफ आएगा. हाँ जी, लिथियम सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. हाँ जी, ये ग्राफ आपके पास आता है, मींस इससे हमें ये तो पता चल चुका है कि जो इसका जो ग्राफ है वो इरेगुलर पैटर्न में होगा. ठीक है, कभी इसका ग्राफ घट रहा है और कभी इसका ग्राफ बढ़ रहा है. ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले बात अलोंग द पीरियड या मैं बात कर सकता हूं लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज डिक्रीज होगा. और साइज डिक्रीज क्यों होगा? हाँ जी, हमारे पास इक्वेशन होती है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा. जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, बकनोफ ने. ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. इनके एटॉमिक नंबर है, अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं. हां जी, जब भी मैं अलोंग द पीरियड जाता हूं,
एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। हाँ जी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस क्लियर है। हाँ जी, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस जेड इफेक्टिव आल्सो इंक्रीजेस ये भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, क्लियर है। हाँ जी, जेड इफेक्टिव हमारे पास बढ़ रहा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है, और अगर अट्रैक्शन बढ़ रही है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रही है तो हमारे पास साइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ रही है तो साइज डिक्रीजेस, साइज हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा की बात है, सिग्मा की भी अभी हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के प्रति वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और साइज हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, साइज हमारे पास कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन का साइज क्या होता है, घटता है, लेकिन यहां पर सिग्मा की बात हमने नहीं की, ठीक है। सिग्मा हम कैसे देखेंगे, सिग्मा होती है शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही आप लिखोगे जैसे यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है, उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। हाँ जी, सिग्मा होती है शील्डिंग, शील्डिंग की अगर हम बात करते हैं, शील्डिंग देखिए, अगर मैं कार्बन की बात, बोरोन की बात करता हूं या लिथियम की बात करता हूं, ठीक है, लिथियम की बात करता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है या s जो ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें हम शील्डिंग नहीं देखते, उसमें ना तो साइज देखते हैं ना ही उसमें शील्डिंग देखते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, रही बात p ऑर्बिटल की, हाँ जी, बोरोन है 1s2 2s2 2p1, पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन में, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की भीड़ भाड़ मुझे नहीं दिखती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कार्बन की, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p2, 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी भीड़ नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, जेड जो फैक्टर है, वो ओवरवेट करता है किस पे, शील्डिंग इफेक्ट पे, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट या आउटवेट द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओवरवेट द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ओवरवेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, अब हम यहां पर जो सिग्मा है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में सिग्मा को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और हम किसको देखेंगे, सिर्फ जेड को, न्यूक्लियर चार्ज को देखेंगे, और यहां पर न्यूक्लियर चार्ज को हम प्रेफर करते हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव भी
बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हमारे पास जो साइज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का भी साइज कम होता आ रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन में तो बल्कि क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो कि स्टेबल होती है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हो रही है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, 2p ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड है जो कि हाईली स्टेबल होती है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब इस पे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट तो लगा ही नहीं सकते, शील्डिंग इफेक्ट तो देख ही नहीं सकते, इसको हम भीड़ भाड़ नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या है, स्टेबिलिटी गेन करता है, स्टेबिलिटी गेन करवाता है। तो इसको भीड़ का नाम, हम क्राउडिंग का नाम या स्क्रीनिंग नाम नहीं दे सकते इसको। ठीक है, तो लिथियम की या लिथियम टू नाइट्रोजन हमारे पास साइज घट रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज एकदम बढ़ चुका है। हाँ जी, अब हम ऑक्सीजन का केस लेते हैं। ऑक्सीजन का साइज एकदम बढ़ चुका है यहां पर, हाँ जी। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, हाँ जी। p ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, और ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल में फोर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं। तो इससे मतलब हमें दिख रहा है कि अब भीड़ या हब शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ भाड़ जो है वो ऑब्जर्व होने स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब हम अब जेड इफेक्टिव इजकल टू जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा जो फैक्टर है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब भीड़ स्टार्ट हो चुकी है, हम सिग्मा को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सिग्मा इंक्रीज कर रही है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूक्लियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, हाँ जी, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर अट्रैक्शन ही डिक्रीज करने लगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे और जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन का साइज ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज यहां पर ज्यादा हो गया है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन या फिर हैलोजन्स की। हैलोजन्स की अगर हम बात करें, हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, फ्लोरीन है 9 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5 2p5, हाँ जी, यहां पर आपको और भी ज्यादा क्राउडिंग आपको ऑब्जर्व हो रही है, आपको दिख रही है, लेकिन साइज उसका फिर भी कम है। ठीक है, हाँ जी, हैलोजन्स का साइज हमेशा कम होता है क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर को हम, टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास जो हैलोजन्स हैं उनका, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम होती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई कम होगी। तो इस तरह से हम इस पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं अलोंग द पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्ट गैसेस, या नियोन फैमिली। इनर्ट गैसेस के केस में हम लिखते हैं या नोबल गैसेस, एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस, एटॉमिक रेडियाई नोबल गैसेस की ज्यादा होती है। ठीक है, नोट में हम लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियाई
रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस गैसेस इज हायर, वो ज्यादा होगी, एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगी, क्योंकि हमें हमने पहले भी बात की है जो एटॉमिक रेडियाई है नोबल गैसेस है उनके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। हां जी, नोबल गैसेस कंटेन्स वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, बहुत ज्यादा वीक होगी तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे उनके, और पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे तो एटॉमिक रेडियाई बहुत ज्यादा होगी, या फिर आपको पता ही है हम कर चुके हैं कि जो वंडरवाल रेडियाई होती है वो ज्यादा होती है। बाकी सारे के सारे जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोवलेंट रेडियाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, सबके पास कोवलेंट रेडियाई प्रेजेंट होगी, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो नोबल गैसेस है उनके पास वंडरवाल रेडियाई प्रेजेंट होती है या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है और वो ज्यादा होता है, वंडरवाल रेडियाई ज्यादा होती है कोवलेंट रेडियाई से, ज्यादा होती है कोवलेंट रेडियाई से, तो इसका मतलब इसका साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई भी ज्यादा होगी नोबल गैसेस की, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास हो गया है सेकंड पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड, ठीक है। हां जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टॉप टू बॉटम अगर हम करते हैं टॉप टू बॉटम या फिर अलोंग द ग्रुप, ठीक है, हां जी, टू द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई, या फिर हम बोल सकते हैं अलोंग द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है या फिर हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं इससे, ये है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को ही हम उठा लेते हैं, और ये है एटॉमिक नंबर। हां जी, इस तरह से ग्राफ हमारे पास ऑब्जर्व होगा, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है हमारे पास, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि हां जी डाउन द ग्रुप number of energy shells increase होती है, जैसे लिथियम है हमारे पास 3 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s1, इसमें कितनी एनर्जी शेल प्रेजेंट है, 2 एनर्जी शेल प्रेजेंट है इसमें, हां जी 2 एनर्जी शेल इसमें प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम की, इसी ग्रुप के एलिमेंट से 11 होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, हां जी 3 एनर्जी शेल हमारे पास प्रेजेंट है, हां जी 3 एनर्जी शेल हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसमें हम देख सकते हैं एक के पास ये थर्ड n इज इक्वल टू थर्ड है,
एन इज इक्वल टू सेकेंड है, ये एन इज इक्वल टू सेकेंड है, एन इज इक्वल टू फर्स्ट है। हमारे पास यहां पर तीन एनर्जी शेल प्रेजेंट है, यहां पर दो एनर्जी शेल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जिसमें दो एनर्जी शेल प्रेजेंट है उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। जिसमें तीन एनर्जी शेल प्रेजेंट है उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोटाशियम है, वो भी फोर्थ पीरियड एलिमेंट है या फोर एनर्जी शेल उसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उसका भी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा सोडियम से। हां जी, फिफ्थ एनर्जी, फाइव एनर्जी शेल्स होंगी, सिक्स एनर्जी शेल होगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हम बात करते हैं नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स से, और लेफ्ट टू राइट हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव, जो इक्वेशन हमारे पास जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, तो इस तरह से हम अलोंग द पीरियड भी और डाउन द ग्रुप भी एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।